देखिए, हमने विधानसभा में जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास कराया है, उसके लिए हमने उनका धन्यवाद और स्वागत किया है उस फैसले का। जिला कांग्रेस उसका स्वागत करती है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसका स्वागत करता हूँ। और जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों अपने पर्सनल सेविंग से 51 लाख रुपये राष्ट्रीय आपदा कोष में डोनेट किया, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। उनके इस कदम से लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो प्रोत्साहित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। उन्होंने भी आगे बढ़कर उनको आदर्श मानते हुए राष्ट्रीय आपदा कोष में डोनेट किया है। मैं सभी लोगों को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा है तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि किराए और दिहाड़ी पर ला करके लोगों को गांधी चौक पर बैठा करके अगर आप ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो अपने आप को छोटा करते हैं। जिसकी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, ऐसा कोई कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है जिस पर वो काबिज ना रहे, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, वहाँ पर ऐसी टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो भी बिना तथ्यों के, तथ्यों के आधार पर अगर वो बात करते तब तो मैं बहुत डिटेल में जवाब देता। अब वो जिसके उनकी कोई अगर पर्सनल वेंजेंस है, किस तरह से कह रहे हैं, किसी के इशारे पे कह रहे हैं, ये तो वही कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आज माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश से लेकर के प्रदेश में लोहा दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करने के लिए वो आज हिमाचल हमीरपुर होते हैं, कल शिमला होते हैं, परसों चंडीगढ़ होते हैं, उसके बाद दिल्ली होते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को कोई ना कोई राहत मिल पाए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उनका जो द्वंद्व 1986 से चल रहा है, जब से वो एनएसयूआई में, तो किसी के कहने से मुझे या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभाना चाहता है तो सकारात्मक रूप से निभाए, लोगों के जनहित के मुद्दे उठाए और लोगों के सामने कोई ऐसे तथ्य रखे जिसको हमें भी अवलोकन करने की आवश्यकता पड़े। ऐसे तथ्यहीन बातें करके मैं नहीं समझता कि कोई लोग आज के इस बात पर विश्वास करते।